उज्जैन में राष्ट्रीय स्तर के कवियों को सुनने का अवसर श्रोताओं को मिला है। उज्जैन के मंगलनाथ रोड पर सुरभि गार्डन में राष्ट्रीय कवि संगम महाअधिवेशन का आयोजन संपन्न हुआ। समारोह में प्रदेश भर के रचनाकार और कवि शामिल हुए, जिनमें सत्यनारायण सत्यन, राष्ट्र कवि मौर्य भी शामिल थे। समारोह में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। अतिथियों ने उद्बोधन देते हुए हिंदी भाषा के उत्थान के साथ ही देश की गंभीर समस्याओं पर अपनी रचनाएं लिखने का आग्रह सभी से किया। सत्यनारायण जी से पहली मुलाकात, ये सत्यनारायण के बाद सत्यनारायण का उपस्थित होना इस बात का परिचायक है कि हम साहित्य में एक ही शब्द का अनेक तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आप कलमकार हैं, कलम आपकी दौलत है, लेकिन सबसे पहली बात आपके पास स्वाभिमान की आवश्यकता है, और वो स्वाभिमान कैसा हो जो कलम के पास हो। स्वाभिमान कलम का है, लेकिन कलम के पास विनम्रता है। जब कलम कुछ कहने के लिए, लिखने के लिए आतुर होती है, तो वो झुकती है। वो झुकती है, पेपर पर झुकती है, पेपर को प्रणाम करती है, और जब पेपर को प्रणाम करती है, तब उसके श्री गणेशाय नमः की स्थिति पैदा होती है। तब ऐसा लगता है कि आया मर्दुम सिफत पिन्हा मिसाले नूर मर्दुम हो, कहीं जाहिर कहीं मखफी, कहीं पैदा कहीं गुम हो। कभी दिखते हो, कभी नहीं दिखते हो, पढ़ने वाले को नहीं दिखते हो, बोलने वाले और सामने बैठने वालों को दिखते हो, तो कहीं जाहिर कहीं मखफी, कहीं पैदा कहीं गुम हो। गुबारे माशियत गर्दे खता धोने को कुलजुम हो, तुम ही तुम हो। साथ ही समाज की बुराइयों को उजागर कर लोगों को जागरूक करने का संदेश भी दिया गया। इस दौरान कवियों ने अलग ढंग से अपनी बात रखी, साथ ही रचनाएं प्रस्तुत कर अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई। रणनीति ये कोई किसी विशेष उद्देश्य के लिए कवि संगम बना, ऐसा नहीं। देश में किसानों के संगठन है, देश में व्यापारियों का संगठन है, देश में कर्मचारियों का संगठन है, लेकिन चूंकि कवि, सही बात है कि जिनके पास खुद के पास दिमाग होता है वो दूसरे दिमाग से चलते नहीं है, इसलिए कवियों का संगठन थोड़ा मुश्किल था। कुछ समय पहले लगा राष्ट्रवादी विचार के जितने लोग हैं आपस में सहयोग करें, हम राष्ट्रीयता के लिए आवाज़ उठा सकें। भाई जब देश के खिलाफ कोई बात होती है तो देश के खिलाफ अवार्ड वापसी के लिए कलाकार लोग इकट्ठा हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, तो कम से कम देश के समर्थन में हम लोग एक क्यों नहीं हो सकते हैं। और ये जैसे आपने कहा प्रतिक्रिया है कि हमारा वो है, तो उसके लिए नहीं है, एक लंबा विचारधारा है कि हम सब एक विचारधारा के लोग आपस में जुड़े, आपस में प्रेम रखें, एक दूसरे को सुख दुख में काम आए। तो इसके लिए बहुत कठिन काम था कवियों को एकत्रित करना। तो हमारे माननीय जगदीश मित्तल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बाकी जितने मित्र हैं स्वामी सत्यनारायण जी गिरी के सानिध्य में ये कार्य आरंभ